Assalamualaikum friends, welcome to Shabana's Cuisine and Blog. आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ ओमान by road, Dubai to Oman. और वैसे तो हस्बैंड की बिजनेस ट्रिप है, तो उन्होंने कहा कि चलो साथ में चलते हैं. तो यहाँ हमने तैयारी शुरू कर ली है. कार को हस्बैंड ने वॉश के लिए लेकर गए हैं, चेकिंग सब करवा रहे हैं ताकि रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. तो चलिए आपको लेकर चलते हैं ओमान, और रास्ते में हमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे आपको सब बताते हैं. तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं जिसकी रास्ते में हमें जरूरत पड़ सकती है. और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. So we are all set for Oman. लगेज सारा हम लोगों ने लोड कर लिया है, तो चलिए let's start. Friends, we are going Oman today as going a hotel and which is my favorite. Puppy fall down. Aish, after tomorrow is your birthday, na? Yeah, so my birthday. Journey. Oh my god. Sorry, 5 hours journey. Oh my god, it's so exciting. I love it. Actually, hotels are my favorite. Ayat ki chapar khatam ho to main baki shoot kar sakun. आप देख सकते हैं रोड्स पूरी खाली है, रेयरली कार यहाँ पे दिख रही है. एंड आई होप जो अलर्ट आया था साइक्लोन अलर्ट, इससे हमें बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए थोड़ा सा सेल्फी वीडियो ले लें. आयश क्या कर रहा है? आयश को यहाँ पर बहुत नींद आ रही है, नींद में है, और आयत तो सो भी गई है. यहाँ से व्यू तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है. यहाँ पे मैं रोड देख सकती हूँ, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर में यहाँ पे क्लियरली देख सकती हूँ. नियर बाय हम ओमान बॉर्डर पहुंच रहे हैं. ये देखिए हत्ता हम पहुंच चुके हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि विजिट हत्ता. ओमान बॉर्डर से पहले हमें मिलता है एग्जिट, जहाँ पे हमें 35 दिरहम पर पर्सन पे करने होते हैं यूएई गवर्नमेंट को. और कुछ ही किलोमीटर्स में दोबारा से हमारी चेकिंग हुई थी, शायद से कस्टम चेकिंग थी, तो जिसमें हमें कार ओपन करके, डिक्की ओपन करके हमें सारा लगेज हमें दिखाना था. तो वो सारा मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वहाँ पर अलाउड नहीं है. फिर वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर में ही इमिग्रेशन आ जाएगा ओमान बॉर्डर का. तो हम पहुंच गए हैं ओमान बॉर्डर पे. यहाँ पे कुछ कैबिन्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं, और जहाँ पे डॉक्टर्स चेक करेंगे हमारा पीसीआर टेस्ट, एंड वही वो लोग रजिस्टर करेंगे हमारा पीसीआर ओमान हेल्थ सिस्टम में. तो जिसका हमें प्रिंट दिया जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो हमें इमिग्रेशन काउंटर पे दिखाना होगा. इमिग्रेशन काउंटर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया था फॉर्म फिल करने के लिए, एक फॉर्म पर पर्सन, तो जिसे हमें सबमिट कर लेना है अलॉन्ग विद दैट पीसीआर प्रिंट. और यहाँ पे हमें मिल जाएगा हमारा ऑन अराइवल वीज़ा, जो कि है 30 डेज टूरिस्ट वीज़ा, और जिसका कॉस्टिंग हमें पड़ा है तकरीबन 50 AED पर पर्सन. तो प्रोसीजर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और वीज़ा स्टैम्प भी लग चुका है. तो चलिए
ऑल सेट फॉर ओमान। हत्ता हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया है एक्सप्रेसवे। आप देख सकते हैं दो रोड्स है, वैसे तो जाने के दो रास्ते हैं। एक है जो है सोहार सिटी के थ्रू, जो जहाँ पे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल सकता है, बट हमने प्रेफर किया है कि हम एक्सप्रेस हाईवे लेंगे, तो जहाँ पे हम 120 किलोमीटर की स्पीड से जा सकते हैं, जो हाईवे अराउंड 290 किलोमीटर्स है। बट दोस्तों बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे अगर आप एक्सप्रेस हाईवे लेने वाले हो, तो ये ध्यान रखें कि आपकी टैंक फुल हो और आपका पेट भी, क्योंकि आपको वहाँ पर एक्सप्रेस हाईवे पर आपको कोई रेस्टोरेंट या कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप आप अगर आपको कुछ मिलेंगे भी तो वो होंगे 50 से 100 किलोमीटर्स की गैप पर। इवन रेस्ट एरियाज भी आपको 50 से 100 किलोमीटर्स के गैप में ही मिलेंगे, जहाँ पर आप वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हो। कार को हमने क्रूज़ पे डाल दिया है, हमारी कार में क्रूज़ फैसिलिटी है, तो जिसको हमने 120 किलोमीटर्स की स्पीड पे डाल दिया है। एंड इसमें ऑटो ब्रेक, ऑटो स्पीड, ऑटो एस्केलेटर है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ स्टीयरिंग संभालनी है नहीं है, तो इस वजह से हमें नींद लग सकती है, तो इस बात का आप काफ़ी खास ध्यान रखें। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, हो सकता है गूगल मैप वहाँ पे ओमान में वर्क ना करे इंटरनेट इश्यूज की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वेस ऐप इंस्टॉल करें जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन विदाउट इंटरनेट भी वी कैन यूज़ दैट ऐप। वेस ऐप की स्पेशलिटी है कि इट इवन शोज द कैमरा एंड द कैमरा स्पीड। क्लाइमेट देखिए काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर बारिश के छींटे भी गिरने लगे हैं। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट रूवी रोड, और हमारी मस्कट सिटी बस यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं सुल्तान काबूस मॉस्क, जो कि कहा जाता है ग्रैंड मॉस्क भी। देखिए कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट, हमें काफ़ी भूख लगी थी, हम ब्रेकफास्ट तो करके निकले थे बट अभी लंच के लिए भी काफ़ी लेट हो गया था, तो हम आ गए हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। ये रेस्टोरेंट हमें काफ़ी पसंद आया, इस रेस्टोरेंट का नाम है फूडलैंड। यहाँ पे मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट है, मतलब हमें नॉर्थ इंडियन प्लस साउथ इंडियन दोनों ही टाइप का खाना मिल गया, तो बहुत ज़्यादा भूखे थे तो आयुष भी काफ़ी भूख लगी है उसे। खाना हमारा हो चुका है और ये रहा हमारा होटल सिटी सीजन्स, जो कि है 4-स्टार होटल। वैसे तो हमने पहले दूसरी होटल बुक की थी बट हमें ये होटल पसंद आई तो हमने यहाँ पे बुकिंग कर लिया। और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट फूडलैंड, जहाँ पे हमने जस्ट खाना खाया था, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो यहाँ हम एंटर करने वाले हैं होटल। और हस्बैंड बुकिंग चेक कर रहे हैं जब तक हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, और बच्चे खेल में लगे हैं।
यहाँ देखिए बच्चे खाना वाना खाकर अब इन्हें नींद आने लगी है, तो ये लोग कॉन्शियस में ही लेट गए। आयुष को देखो। आयुष को देखो कैसे आराम से रेस्ट कर रहा है। अरे ये क्या लगेज ट्रॉली में ये दोनों भी लगेज बन के बैठ चुके हैं। और यहाँ हमने एंटर कर लिया है रूम में। ये आई लव होटल रूम, जंप जंप जंप। और ये दोनों की मस्ती एज यूजुअल शुरू हो गई है, होटल रूम में एंटर कर दी। इन लोगों की मस्ती तो नहीं होने वाली खत्म, तो चलिए अब बहुत थक चुके हैं तो चलिए रेस्ट कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।